में संकट का जन्म ही है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का अवसर, अपने विचारों को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का अवसर, अपनी आत्मा में रमने का अवसर। जो ये कर पाया है उसे कोई संकट नहीं, लेकिन जो ये ना कर पाए वह तो स्वयं ही संकट है विश्व के लिए। वाह प्रभु वाह, इस एंगल से तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। हे प्रभु, मेरे एक और प्रश्न का भी उत्तर दीजिए। हे पालनहार, इस संकट की घड़ी में हम अपने घर में ही रहना पड़ रहा है। दिन भर बच्चों की कीच कीच और धर्म पत्नी की जीक जीक से बहुत ही परेशान हो गया हूँ प्रभु, इसका समाधान बताइए। अहो धुरंधर, क्या तुम अभी भी यह नहीं समझ पाए कि मैं क्यों अपनी स्वर्ण नगरी बालिका छोड़कर यहाँ युद्ध के मैदान में आ गया? 16,000 रानियों एवं अनगिनत संतानों के साथ इस लॉकडाउन में रहने से तो अच्छा है कि इस युद्ध में तुम्हारा साथी बन जाऊं, तुम्हारा रथ चलाऊं। हे पाठ, इस प्रश्न के अलावा तुम कोई और दूसरा प्रश्न मेरे से पूछ सकते हो। पालनहार, सॉरी, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। इस प्रश्न को स्किप ही करके कृपया मेरा नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए प्रभु। हे माधव, आज सभी जगह लॉकडाउन है, हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, किसी से मिल नहीं पा रहे, कोई हमारे वहां नहीं आ पा रहे, और तो प्रभु वीकेंड की पार्टी भी बंद हो गई है और पार्टी भी हो भी नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने काली कोठरी में बांध दिया है प्रभु। इस बंधन से मेरे जीवन का क्या लाभ प्रभु? अहो तात, किसने कहा सब कुछ लॉकडाउन है? सूर्य उदय पर कोई पाबंदी नहीं है, प्रेम स्नेह करने पर कोई रोक टोक नहीं है, परिवार के साथ समय व्यतीत करने पर पाबंदी नहीं है, क्रिएटिविटी पर कोई पाबंदी नहीं है, कुछ नया सीखने पर, पढ़ने लिखने पर कोई भी रोक टोक नहीं है, इमेजिनेशन पर कोई रोक नहीं है, भगवान की पूजा करने में, अर्चना करने में, वंदना करने में कोई रोक नहीं है, योगा व्यायाम या तो सोने तक पर कोई पाबंदी नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, इससे ज्यादा स्वतंत्र तुम कभी भी नहीं थे। इस अवसर का सदुपयोग तुम ऐसा करने में करो जो तुम हमेशा से करना चाहते थे, ताकि ये समय तुम्हारे लिए एक मीठी याद बन सके, ना कि एक दुःस्वप्न। अभी 2 दिन पहले ही लंदन में महावीर जयंती के प्रोग्राम में एक संदीप जी हैं, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गीत की प्रस्तुति करके सारे संसार को हर्ष उल्लास से भर दिया। तुम भी कुछ ऐसा ही करो, क्यों ठीक कहा ना मैंने? ओहो नाथ, ओहो क्या सही बात की है नाथ, आपने सही बात की है। और नाथ, मेरा एक और प्रश्न है। हे प्रभु, इस भय के वातावरण में हम शांति प्रदान करने के लिए कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिसे पढ़कर हम लोगों के जीवन में शांति प्राप्त कर सके। मेरे तात, मैं तुम्हारे लिए ऐसा एक मंत्र दूंगा जो तुम्हें एवं सभी को, सारे संसार को रोज कम से कम एक माला देनी चाहिए। हमारे मुनि श्री प्रमार सागर, जो कि इस ट्रस्ट के हमारे मार्ग प्रदर्शक भी हैं, उन्होंने एक मंत्र दिया है। ओम ह्रीम जागा शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः, सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जागा शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः, सर्व उपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। बस ये तुम्हें रोज एक माला देनी है, तब इस पूरे इस लॉकडाउन की पीरियड में तुम शांति से अपना जीवन व्यतीत कर पाओगे। हे प्रभु, आपने तो मेरी सारी शंकाएं का समाधान कर दिया प्रभु, आप महान हो प्रभु। पिछले 1 घंटे से ये वस्त्र में मेरे को चुभ रहे, अगर आपकी याद ना हो तो मैं इस वस्त्र को उतार दूं। अरे खड़े हो जाओ। अरे जय हो प्रभु, जय हो, जय जिनेन सभी को। जय जिनेन। बहुत बढ़िया अजीत जी और संदीप जी, बढ़िया। आई वुड से धांसू परफॉर्मेंस।